नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम दो केसेस में प्रैक्टिकली पे फिक्सेशन करना सीखेंगे। पहले केस में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे को रूल 4.12 सब रूल 1 के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दिया जाता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। सेकंड केस में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके रिगार्डिंग अपील करता है और एपिलेंट अथॉरिटी इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर देती है, तो उस केस में पे फिक्सेशन करना भी सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चैनल की प्लेलिस्ट पर आप सिविल सर्विस रूल, पंजाब फाइनेंशियल रूल, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। स्क्रीन पर देखिए, आपको पंजाब सिविल सर्विस रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1 का रूल 4.12 सब रूल 1 नजर आ रहा है। इसमें लिखा गया है कि इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रिड्यूस्ड एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी टू लोअर स्टेज इन हिज टाइम स्केल, द अथॉरिटी ऑर्डरिंग सच रिडक्शन शैल स्टेट द पीरियड फॉर विच इट शैल बी इफेक्टिव एंड वेदर ऑन रिस्टोरेशन द पीरियड ऑफ रिडक्शन शैल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। अब समझते हैं कि इस रूल में लिखा क्या गया है। जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पे को रिड्यूस करके उसको कोई पेनल्टी लगाई जाती है, रिड्यूस करना मतलब उसकी पे को जितनी वो पे ले रहा है उससे कम पे फिक्स किया जा सकता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए वो इतनी पे ही लेगा, या उसको कोई पहले पुराने वाली कोई लोअर स्टेज पर उसकी पे फिक्स कर दी जाएगी। तो अथॉरिटी ने ये ऑर्डर्स में लिखना होता है कि ये कितने टाइम के लिए इसी रिड्यूस पे को देना है, और ऑर्डर्स में ये भी लिखा जाएगा कि उस टाइम पीरियड के बाद जब उसकी पे को रिस्टोर किया जाएगा तो क्या जिस पीरियड में उसने लोअर पे ली है क्या उसको उसकी फ्यूचर इंक्रीमेंट्स के लिए काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब स्क्रीन पर आपको रूल 4.12 कैपिटल ए नजर आ रहा है, इसको रीड करते हैं। वेयर एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और हिज रिडक्शन टू ए लोअर सर्विस ग्रेड और पोस्ट और टू ए लोअर टाइम स्केल और टू ए लोअर स्टेज इन ए टाइम स्केल इन सेट असाइड और मॉडिफाइड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन अपील और रिव्यू द पे ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स बी रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट प्रोसीजर दिया गया है, इफ द सेड ऑर्डर इज सेट असाइड ही शैल बी गिवन फॉर द पीरियड सच ऑर्डर हैज बीन इन फोर्स द डिफरेंस बिटवीन द पे टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड हैड दैट ऑर्डर नॉट बीन मेड एंड द पे ही हैड एक्चुअली ड्रॉन। सेकेंड प्रोसीजर दिया गया है, If the said order is modified, the pay shall be regulated as if the order as so modified had been made in the first instance. अब देखिए 4.12 कैपिटल ए डील कर रहा है एपिलेंट अथॉरिटी द्वारा किए गए ऑर्डर्स को। एपिलेंट अथॉरिटी पहले वाली दी गई पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है या उसको मॉडिफाई कर सकती है, तो इसके लिए दो प्रोसीजर बताए गए हैं। पहले प्रोसीजर में बताया गया है कि अगर तो एपिलेंट अथॉरिटी ने पेनल्टी को खत्म ही कर दिया है तो पेनल्टी वाले ऑर्डर्स को खत्म ही कर दिया जाएगा और जो भी पे का डिफरेंस था उसको वो दे दिया जाएगा। दूसरा प्रोसीजर बताया गया है कि अगर पेनल्टी ऑर्डर्स को पार्शियली मॉडिफाइड किया जाता है तो उस केस में ऐसे डील किया जाएगा जैसे कि पेनल्टी का ऑर्डर लगाया ही नहीं गया था और एपिलेंट अथॉरिटी का ऑर्डर ही इनिशियली लगाया गया था। तो देखिए दोनों ही प्रोसीजर में एक बात निकल के आ रही है कि एपिलेंट अथॉरिटी वाले ऑर्डर्स को ही शुरू से इम्प्लीमेंट करना है। चलिए तो इन्हीं रूल्स पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए लिखा गया है, मिस्टर एक्स ए हेड टीचर वाज ड्राइंग पे ऑफ रुपीज 16,430 प्लस 4,400 ग्रेड पे इन द पे स्केल ऑफ रुपीज 10,300 टू 34,800 प्लस 4,400 ग्रेड पे विद इनिशियल स्टार्ट ऑफ रुपीज 17,420 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2017। अब पहले ध्यान से समझ लीजिए, मिस्टर एक्स एक हेड टीचर है जो 1st of July 2017 को 16,430 प्लस 4,400 ग्रेड पे ले रहा है और उसका पे स्केल दिया गया है 10,300 टू 34,800 प्लस 4,400
जिसमें उसकी इनिशियल पे 17,420 थी। अब देखिए हमें 17,420 जब उसकी पे थी वो डेट नहीं दी गई है, और उसकी 17,420 में इंक्रीमेंट्स लगकर 1 जुलाई 2017 को 16,430 प्लस 4,400 ग्रेड पे दी गई है। क्वेश्चन को इतना समझ लेने के बाद नेक्स्ट रीड करते हैं। He was awarded penalty of reduction and was accordingly reduced the stays of ₹17,420 for period of 2 years. The penalty was effective from 11th of November 2017. अब देखिए लिखा गया है कि 11th of November 2017 से उसकी पे को पेनल्टी के तौर पर रिड्यूस करके 17,420 दो साल के लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट रीड करते हैं। इन द ऑर्डर इट वॉज हाउएवर मेड क्लियर दैट हिज फ्यूचर इंक्रीमेंट्स विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि दो साल का वो पीरियड जिसमें उसकी पे को रिड्यूस कर दिया गया है वो भी फ्यूचर इंक्रीमेंट्स के लिए काउंट होगा, यानी कि इस रिड्यूस्ड पे वाले पीरियड के कारण उसकी फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पर कोई भी असर नहीं होगा। नेक्स्ट रीड करते हैं। मिस्टर एक्स वेंट इन अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर। द एपीलेंट अथॉरिटी पार्शियली मॉडिफाइड द ऑर्डर टू द एक्सटेंट दैट वन इंक्रीमेंट फॉर वन ईयर विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट शैल बी विदहेल्ड। अब देखिए मिस्टर एक्स चला गया एपीलेंट अथॉरिटी के पास। एपीलेंट अथॉरिटी ने पेनल्टी देने वाली अथॉरिटी के ऑर्डर को पार्शियली मॉडिफाई कर दिया है, और अब उसकी 1 जुलाई 2017 के बाद आने वाली एक इंक्रीमेंट को विदहेल्ड करना है, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब जो इंक्रीमेंट विदहेल्ड की गई है उसको फ्यूचर में भी रिलीज नहीं करना है, और इसका मतलब इस विदहेल्ड की गई इंक्रीमेंट का फ्यूचर इफेक्ट रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन में लिखता है यू आर रिक्वेस्टेड टू फिक्स हिज पे फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद बोथ ऑफ दीज ऑर्डर्स टू नो द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ ग्रांटेड बाय एपीलेंट अथॉरिटी। अब जब आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले सोचना पड़ता है कि क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। तो इसके लिए हम समझते हैं हमारे पास तीन केस हैं। सबसे पहला उसकी नॉर्मल पे कि अगर उसको पेनल्टी ना लगती तो वो वाली पे, उसके बाद पेनल्टी ऑर्डर्स के कारण उसकी पे, और थर्ड सिचुएशन है एपीलेंट अथॉरिटी द्वारा किए गए ऑर्डर के बाद वाली उसकी पे। तो अब फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले कॉलम में फ्रॉम डेट लिखते हैं, उसके बाद नॉर्मल पे, उसके बाद पे एज पर पेनल्टी ऑर्डर्स, फिर रिमार्क्स, उसके बाद फिर से फ्रॉम डेट लिखते हैं, और पे एज पर रूल 4.12A सब रूल बी, जो कि एपीलेंट अथॉरिटी द्वारा पेनल्टी ऑर्डर को पार्शली मॉडिफाई करने से रिलेटेड है, और लास्ट में रिमार्क्स। अब हम उसकी नॉर्मल पे और पेनल्टी ऑर्डर्स वाली पे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 जुलाई 2017 की पे दी गई है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जिस डेट से पेनल्टी इफेक्टिव है वो डेट दी गई है जो कि 11th ऑफ नवंबर 2017 है वो लिख लेते हैं। अब देखिए जब उसको पेनल्टी ही लग गई है तो एसीपी लगाने का सवाल नहीं उठता है। तो नॉर्मल पे के अकॉर्डिंग उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2018 आएगी, उसके बाद 1 जुलाई 2019 आएगी। अब देखिए पेनल्टी ऑर्डर दो साल के लिए इफेक्टिव है तो 11th ऑफ नवंबर 2017 से दो साल का पीरियड 11th ऑफ नवंबर 2019 को खत्म हो जाएगा। तो इस दिन को उसकी फिर से पे रिस्टोर करनी है। नॉर्मल पे के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई ऑफ 2020 है। अब देखिए 1 जुलाई 2017 को उसकी नॉर्मल पे दी गई है 16,430 प्लस 4,400 इक्वल टू 20,830। इसको नॉर्मल पे वाले कॉलम में लिख लेते हैं। पेनल्टी कॉलम में ब्लैंक रहेगा और रिमार्क्स में गिवन लिख देते हैं।
अब देखिए 11th ऑफ नवंबर 2017 से उसको पेनल्टी लगाई गई है और उसकी पे रिड्यूस करके 17,420 दो साल के लिए कर दी गई है, पर उसकी नॉर्मल पे सेम रहेगी और पेनल्टी कॉलम में लिखेंगे 13,020 प्लस 4,400 जो कि 17,420 है। जो पेनल्टी लगाई गई है वो रूल 4.12 सब रूल 1 के अकॉर्डिंग लगाई गई है जो कि हम रिमार्क्स में लिखेंगे। अब देखिए 11th ऑफ नवंबर 2019 को दो साल का पीरियड कंप्लीट होगा और उसकी पे को रिस्टोर किया जाएगा, इसलिए 1st ऑफ जुलाई 2019 तक रिड्यूस्ड पे ही लिख देते हैं और रिमार्क्स में रूल 4.12 सब रूल 1 लिख देते हैं। अब 1st ऑफ जुलाई 2018 को नॉर्मल पे इंक्रीमेंट लगाने के बाद 17,060 प्लस 4,400 इक्वल टू 21,460 आएगी, जिसके लिए रूल 4.9A लिखा जाएगा रिमार्क्स कॉलम में। अब 1st जुलाई 2019 को इंक्रीमेंट लगाने के बाद 17,710 प्लस 4,400 इक्वल टू 22,110 आएगी, जिसके लिए रिमार्क्स कॉलम में 4.9A लिखा जाएगा। अब देखिए नॉर्मल पे में हमने इंक्रीमेंट्स इसलिए लगाई है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था कि इस रिड्यूस्ड पे वाले पीरियड से फ्यूचर इंक्रीमेंट इफेक्ट नहीं होगी, तो अब 11th ऑफ नवंबर 2019 को पे को रिस्टोर करना है तो इस दिन नॉर्मल पे 1st जुलाई 2019 वाली ही रहेगी और वही पे पेनल्टी को खत्म करके रिस्टोर कर दी जाएगी। रिमार्क्स कॉलम में 4.9A एंड 4.12 सब रूल 1 लिख दिया जाएगा। अब देखिए पेनल्टी ऑर्डर का पीरियड खत्म हो चुका है तो नॉर्मल पे लिखने की जरूरत नहीं है, 1st जुलाई 2020 को पेनल्टी ऑर्डर कॉलम में ही इंक्रीमेंट लगाने के बाद 18,830 प्लस 4,400 इक्वल टू 22,780 आएगा, जिसके लिए रिमार्क्स में 4.9A लिखा जाएगा। अब हम एपिलेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसकी पे फिक्स करेंगे, तो एपिलेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसकी एक इंक्रीमेंट को क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ विदहेल्ड करना है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को लिख लेते हैं। तो पहली इम्पोर्टेंट डेट है 1st जुलाई 2017 जो पे हमें पहले ही दी गई है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो कि 1st जुलाई 2018 है, उसके बाद 1st जुलाई 2019 और 1st जुलाई 2020। 1st जुलाई 2017 को उसकी पे दी गई है 16,430 प्लस 4,400 इक्वल टू 20,830, रिमार्क्स में गिवन लिखा जाएगा। अब देखिए 1st जुलाई 2018 को उसकी इंक्रीमेंट लगनी थी पर एपिलेंट अथॉरिटी ने इस इंक्रीमेंट को विदर कर दिया है, तो सेम पहले वाली पे ही रहेगी जो कि 16,430 प्लस 4,400 इक्वल टू 20,830 1st जुलाई 2017 को है, रिमार्क्स में 4.7 लिखेंगे जो कि इंक्रीमेंट विदहेल्ड करने से रिलेटेड है। अब देखिए इंक्रीमेंट क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ विदहेल्ड की गई है तो 1st जुलाई 2019 को इंक्रीमेंट देंगे और पिछले वाली इंक्रीमेंट नहीं देंगे, उसके बाद 1st जुलाई 2020 को इंक्रीमेंट लगाएंगे और उसकी पे हो जाएगी 22,110। अब कंपेयर करके देखिए तो एपिलेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद मिस्टर एक्स क्लोज में है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन रूल्स के अकॉर्डिंग पे फिक्सेशन करना अच्छे से समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।